नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि अब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों की दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। आपको याद होगा कि बीते दिन शिक्षा विभाग ने बड़ी अधिसूचना जारी कर दी थी और BSEB को सक्षमता परीक्षा लेने के लिए अधिकृत कर दिया था, यानी कि अब सक्षमता परीक्षा जल्द से जल्द हो सकती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, नमस्ते। नमस्ते। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह से शिक्षा विभाग ने बड़ी अधिसूचना जारी की है, क्या कुछ है उस अधिसूचना में सजल जी? देखिए, अधिसूचना में है कि शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सक्षमता परीक्षा के समकक्षता परीक्षा के लिए अधिकृत कर दिया है। यानी शिक्षा विभाग ने समकक्षता परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट तक का जिम्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दिया है। तो अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी कुल संख्या करीब 3.5 लाख के आसपास है। तो क्योंकि इसलिए ये संख्या घटी है क्योंकि आपको पता होगा, आपको याद होगा कि 28,000 शिक्षक को BPSC की परीक्षा में क्वालिफाई कर गए थे पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में 11,000 शिक्षक क्वालिफाई किए। तो इसलिए इनकी संख्या करीब 3.5 लाख है। तो ये इन 3.5 लाख शिक्षकों की पहली सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है और अब ये तय हो गया है कि ये तीनों जो परीक्षाएं होंगी सक्षमता परीक्षाएं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेंगी और परीक्षा समिति अब इसकी तैयारी करेगी। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ शिक्षा विभाग की कई बैठकें पहले ही हो चुकी हैं, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मानसिक रूप से तैयार है और उसकी तैयारियाँ भी है। अगर नवंबर में ये नोटिफिकेशन हो गया होता तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिसंबर में परीक्षा ले चुकी होती, लेकिन नोटिफिकेशन में विलंब हुआ है। इसके चलते अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने एक बड़ी समस्या आएगी। समस्या वो आएगी कि फरवरी में इंटरमीडिएट और मैट्रिक की बोर्ड परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेनी है। जी, जी, जी। तो फरवरी में नहीं लग रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये परीक्षा ले पाएगी। इसलिए भी हालांकि फरवरी माह का जो अंतिम 2-4 दिन है उसमें वो चाहे तो ले सकती है, और लेकिन उसके लिए एक मुश्किल और है कि जैसे ही ये परीक्षा खत्म होगी बिहार बोर्ड की, तो आपको याद होगा कि मार्च में STT की परीक्षा है जी। तो STT की परीक्षा होगी और मार्च में ही इधर मैट्रिक की परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा जैसे ही खत्म हो रही है और मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है, तो इंटरमीडिएट की परीक्षा जैसे जैसे खत्म होगी तो कापियों की जांच भी वैसे वैसे शुरू हो जाएगी। और तो फिर पूरा जो मार्च महीना है, मार्च महीना में कॉपियों की जांच होनी है, मैट्रिक की जांच होनी है, इंटर की कॉपियों की जांच होनी है, STT है। तो ऐसे में अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अप्रैल के पहले परीक्षा लेना चाहेगी तो उसको निकालना होगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं, और नहीं अगर इसके पहले नहीं हुआ तब अप्रैल में परीक्षा तय मानिए और परीक्षा होगी। इस परीक्षा में पहली परीक्षा होगी है, तो आपको पता है कि इसमें समकक्षता परीक्षा में पास होने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 अवसर दिए जाने हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत। तो ये पहली परीक्षा होगी और 2 दिन पहले मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि हम नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनाएंगे और तब हमारे विद्यालयों में एक तरह के शिक्षक हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो परीक्षा होगी सरकारी शिक्षक बनाने के लिए नियोजित शिक्षकों की जो परीक्षा होगी वो परीक्षा अलग तरह की परीक्षा होगी। यानी उनका अलग तरह से कहने का तात्पर्य ये था कि वह परीक्षा BPSC की परीक्षा नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नियोजित परीक्षा की तिथि तो घोषित हो गई, लेकिन नियोजित शिक्षकों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। बिल्कुल, उस पर हम आएंगे सजल जी, लेकिन उससे पहले हम ये भी आपसे जानना चाहते कि अभी आपने बातों में साफ कहा कि काफी विलंब हो गया, अगर नोटिफिकेशन पहले होता तो ये परीक्षा दिसंबर माह में ही हो चुकी होती। ये विलंब क्यों हुआ, ये देरी की वजह क्या है? देरी की वजह सीधी सी बात है ना कि शिक्षा विभाग
दूसरे चरण की नियुक्ति में फंसा हुआ था। तो दूसरे चरण की नियुक्ति की जो तैयारियां चल रही थी उसको लेके शिक्षा विभाग की गति काफी तेज थी और इसके चलते वो ये काम जो है थोड़ा पीछे छूट गया। मतलब प्रायोरिटी पहले बीपीएससी वाले की थी, क्योंकि वो परीक्षा हो चुकी थी, नियुक्ति होनी थी, सारे शिक्षकों का की काउंसलिंग, सारे अध्यापकों की काउंसलिंग होनी थी, काउंसलिंग के बाद अब कल से पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो इसके चलते ये काम थोड़ा सा पीछे हो गया, एक महीना पीछे चला गया। नहीं तो शिक्षा विभाग की भी तैयारी पहले यही थी कि हम नवंबर में नोटिफाई करेंगे और दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। और अब देखिए, अब तो नोटिफिकेशन हो गया है, तो अब परीक्षा की तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द शुरू करेगी, जल्द शुरू करेगी। वो तो पहले वो देखेंगे इसका शेड्यूल, क्योंकि परीक्षा ऑफलाइन होनी है, ये क्लियर है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो इसके लिए, और चूंकि बैठेंगे फर्स्ट टाइम तो सारे शिक्षक बैठेंगे, तो 3.5 लाख शिक्षक हैं, तो इस हिसाब से परीक्षा केंद्रों का चयन होना है। फिर क्वेश्चन को वो अपना क्वेश्चन सेट करेंगे, सिलेबस तय करेंगे, तो उस हिसाब से उनकी तैयारी अभी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो लोग अब तक परीक्षा लेते थे वो अब परीक्षा देंगे, क्या लगता है सब कुछ हंसी खुशी रजामंदी के साथ? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, ये शुरू से रहा है कि जो परीक्षा लेते हैं उन्हें परीक्षा देनी होती है। पुराने शिक्षकों के लिए ना, जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक थे, उन्हें भी प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा देनी पड़ती थी, और वो विभागीय परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद लिया करती थी। तो परीक्षा की परंपरा शिक्षकों के लिए शुरू से रही है, शुरू से रही है। और पुराने शिक्षक भी अगर उस परीक्षा में फेल करते थे तो वो उनकी प्रोन्नति तब तक नहीं होती थी जब तक वो पास नहीं होते थे। तो वो परीक्षा की परंपरा रही है शिक्षकों की, लेकिन ये परीक्षा उन परीक्षाओं से थोड़ा अलग है। इस मायने में कि इस परीक्षा से वे नियोजित शिक्षक सीधे राज्यकर्मी बनेंगे, और राज्यकर्मी ही नहीं बनेंगे तब उनका पे स्केल भी इम्प्रूव करेगा, उनका सर्विस कंडीशन भी इम्प्रूव करेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि बड़ी खबर आपको बताऊं कि ये नियोजित शिक्षक जो 3.5 लाख हैं, ये जैसे ही राज्यकर्मी बनेंगे तो ये इन्हें न्यू पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, न्यू पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अभी तक नियोजित शिक्षकों को पेंशन की सुविधा नहीं है, उन्हें सिर्फ ईपीएफ उनका कटता है, और जब वो रिटायर करते तो उन्हें सिर्फ ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन का उनका पैसा था 10% और 14%, वो वही पैसा मिलना था। लेकिन अब ये जब वो राज्यकर्मी होंगे तो उन्हें मासिक पेंशन भी मिलनी शुरू होगी, मतलब कि न्यू पेंशन स्कीम का भी लाभ मिलेगा, राज्यकर्मी बनने के बाद। तो वही न्यू पेंशन का लाभ अध्यापकों को भी है। तो इसलिए नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर होगी कि वो उन्हें, वो जैसे ही राज्यकर्मी बनेंगे परीक्षा पास करके, तो वो ये न्यू पेंशन स्कीम के हकदार, मतलब कि इंतजार का फल मीठा ही, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में लाने के लिए शिक्षा विभाग पहले ही पिछले 1 जनवरी को ही सारे जिलाधिकारियों को आदेश दे चुका है कि ई शिक्षा पोर्टल पर नियोजित शिक्षकों के आंकड़े सतर्कता के साथ दर्ज किए जाएँ, क्योंकि उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में परीक्षा पास करने के बाद लाया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक हो जाएगी ये सक्षमता परीक्षा? हमको अप्रैल तक तो हो ही जाएगी, अगर इधर नहीं हुई तो अप्रैल में परीक्षा होगी, सक्षमता परीक्षा अप्रैल तक, बिल्कुल एकदम अप्रैल तक परीक्षा हर हाल में हो जाएगी। और क्योंकि जो शिक्षक पहली परीक्षा में फेल करेंगे तो उनको, उनके लिए फिर दूसरी परीक्षा भी होगी ना, जो दूसरी परीक्षा में भी पास नहीं होंगे उनके लिए फिर तीसरी परीक्षा होगी। तो मुझे लगता है कि साल भर के अंदर या 1.5 साल में तीनों परीक्षाएं हो जाएंगी, बशर्ते कि कोई बड़ा व्यवधान न आए। तो ये परीक्षाएं अब निरंतर एक अंतराल के बाद ये परीक्षाएं होंगी, मतलब आप कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर तीनों जो चांस हैं, बिल्कुल बिल्कुल 1 से 1.5 साल के अंदर तीनों परीक्षाएं हो जाएंगी। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस परीक्षा को लेने में सक्षम है, इसलिए युवा स्टेटी पहले ही लेती रही है। और इसके पहले आपको याद होगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा की दक्षता परीक्षा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही लेती रही है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस परीक्षा को भी उसी अंदाज में लेगी जैसे वह शिक्षकों की परीक्षा लेती है।
देखिए आजकल जो है लगातार हम लोग देख रहे हैं, अगर हम गूगल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या सर्च हो रहा है अगर हम देखें तो दो चीजें सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड कर रही हैं गूगल पे। पहला कि सक्षमता परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और दूसरा कि सक्षमता परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। सजल जी हम आपसे जानना चाहते हैं क्या होगा सिलेबस। देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री ने 13 तारीख को कह दिया है कि अलग तरह की परीक्षा होगी, पहले मामूली और उसके बाद अलग। हाँ, पहले मामूली परीक्षा लेंगे, अब उन्होंने कहा है कि अलग तरह की परीक्षा लेंगे। तो खैर वो शब्दों का फर्क पड़ रहा है, मुझे लग रहा है केवल, लेकिन ये जो परीक्षा का पैटर्न होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो पैटर्न वही होगा जो पैटर्न स्थिति का रहा है, मुझे लग रहा है। अब क्वेश्चन जो आएंगे वो कितने पार्ट के होंगे वो अलग, वो अभी उस पर कहना कुछ जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले की जो परीक्षाएं होती रही हैं, उनकी परीक्षाएं सीटी हो या दक्षता हो, तो उन परीक्षाओं में 3 कैटेगरीज के सवाल होते रहे हैं। एक तो उनके विषय वस्तु के सवाल रहे हैं, जो उनका बेसिक क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अंतर्गत उनके विषय के सवाल रहे हैं, एक बड़ा पार्ट ये रहा था। दूसरा बड़ा पार्ट ये रहा था कि जो शिक्षा का जीके है, शिक्षा का जीके है, तो शिक्षा का कि जीके पे सवाल रहा था। शिक्षा का जीके मतलब एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरह के जो शिक्षा, ये शिक्षा के जीके हैं। डाइट का फुल फॉर्म क्या है, वाइट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, तो ये बिहार बोर्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो ये शिक्षा के जीके हुआ। तो और तीसरा था कि शिक्षकों की रुचि, हाँ, तो रुचि से जुड़े सवाल जिसमें कि सामान्य अध्ययन के सवाल भी आ जाते हैं जी। तो पिछली जो परीक्षाएं होती रही हैं, चाहे वो दक्षता हो या एसटीटी हो, तो उसमें सवालों का पैटर्न यही रहा है। तो लग रहा है कि पैटर्न भी करीब करीब वही होगा, लेकिन अब ये तय करेंगे वो परीक्षा समिति बैठेगी, इस पर डिस्कस करेगी, तब वो क्वेश्चन के पैटर्न पर वो अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन फिलहाल चांसेस वही हैं कि जैसे परीक्षा होगी या वैसी ही परीक्षा होगी। दो अंतिम सवाल है मेरे। पहला तो ये सवाल है कि जिला को लेकर जैसे ही ये नियमावली आई थी खूब हंगामा हुआ था, नियोजित शिक्षकों ने साफ कहा था कि एक बार फिर से हमें ठगा गया है, तो क्या अब वो तैयार हो जाएंगे इस चीज पर? देखिए परीक्षा देंगे, जिला छोड़ेंगे? हाँ, परीक्षा इसलिए देंगे, जिला छोड़ने की बात अभी नहीं कहेंगे जी। अभी तो उनको ऑप्शन देने हो, जब वो आएगा तो उसमें ऑप्शन देने हैं, तो वो तो बात की बात आएगी जब रिजल्ट आएगा, वो बात की बात है, उस पर भी अभी बहुत कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन ये चीज तय है कि परीक्षा देंगे, ये परीक्षा देंगे, ये फॉर्म भरेंगे, ये एग्जाम में भी बैठेंगे, और बैठेंगे तो ये उत्तीर्णता भी हासिल करेंगे, पास भी होंगे। इसलिए कि आपको सिर्फ प्राइमरी में छोड़ दीजिए, तो प्राइमरी में कुछ मतलब कुछ सैकड़ा शिक्षकों को छोड़ के सारे शिक्षक दक्षता पास हैं, माध्यमिक में सारे शिक्षक दक्षता पास हैं, और बाद में 12 के बाद जो टीटी और एसटीटी की परंपरा शुरू हुई तो पास होके ही आए हैं। तो वो है कि वो परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा में सफल भी होंगे, लेकिन वो बाद में तय होगा कि वो जिला का क्या होगा। हाँ, वर्तमान विद्यालय उनके छूटेंगे या रहेंगे, ये बात का मसला है, ये सीएम देखेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या 3 बार अगर फेल हो जाते हैं तो क्या नौकरी से? देखिए अभी तक जो नियमावली में प्रावधान उसमें ये है कि परीक्षा पास करने के 3 मौके मिलेंगे, और तीनों अवसरों को अगर उन्होंने गवा दिया, यानी तीनों बार में परीक्षा पास नहीं हुए तो वो पदमुक्त किए जाएंगे, यही वर्ड है उसमें, पदमुक्त किए जाएंगे। पदमुक्त का सीधा मतलब है कि छुट्टी हो जाएगी। हाँ, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हो सकता है कि बदलाव हो। हाँ, हो सकता है कि जैसे देखिए ना, दक्षता परीक्षा जब शुरू हुई थी तो दक्षता परीक्षा में भी शिक्षकों को ही चांस दिए गए थे, लेकिन अब वो चांस बनकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हुए 5 चांस में बदल गया है। तो
आने वाला वक्त बताएगा कि हो सकता है कि हमारे शिक्षक बिना समय गवाए और सारे निकल जाए परीक्षा पे। हाँ, ये भी संभावना है। बिल्कुल, लेकिन परीक्षा को लेकर सर्वाधिक परेशान वो हैं जिनकी नौकरी दो चार साल की है। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर सक्षमता परीक्षा में क्या कुछ पूछा जा सकता है, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या हो सकता है, सब कुछ हमने आपको बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।